नमस्कार। अपनी लाइफ में सबसे हार जाना, पर इससे कभी मत हारना। आप बिजनेस में हार जाना, आप नौकरी में हार जाना, आप अपने दोस्तों से हार जाना, आप अपनी फैमिली में हार जाना, आप अपने समाज में हार जाना, आप अपने दोस्तों से हार जाना, आप अपनी सोसाइटी में हार जाना, सबसे हार जाओगे तो कोई बात नहीं, वापस उठ खड़े होंगे, वापस जो आप पाना चाहते हो पा लोगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप अपने मन से हार गए, अपने दिल से हार गए, तो आपको कोई भी वापस उठ खड़ा नहीं कर पाएगा। ना तो आपकी फैमिली वाले, ना आपके परिवार वाले, ना आपके समाज वाले, ना आपके दोस्त, ना आपकी सोसाइटी वाले, कोई भी आपको वापस खड़ा नहीं कर पाएगा। इसलिए पूरी दुनिया से हार जाओ कोई बात, कितनी असफलता मिल जाए आपको कोई बात, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति आ जाए आपके जीवन में कोई बात नहीं, लेकिन मन में उम्मीद, अपने मन को हारने मत देना। अगर आपने अपने मन को हरा दिया, मन में उम्मीद खत्म कर दी और आपका मन हार गया, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो बस चाहे सामने कितनी ही बड़ी बाधाएं क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी आपके सामने संघर्ष की घटाएं क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके मन में साहस है, आपका मन हारा नहीं है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। बड़ी से बड़ी विफलताओं को आप सामना कर सकते हो, बड़ी से बड़ी मुश्किलों का आप सामना कर सकते हो, बशर्ते आपका मन अंदर से हारना नहीं चाहिए। इसलिए किसी भी कंडीशन में, चाहे आपको समाज में आपको बहुत नीचा देखना पड़े, चाहे आपके परिवार में आपको बहुत बेइज्जती झेलनी पड़े, चाहे आपको व्यापार में घाटा हो, चाहे आपको नौकरी में आपको नुकसान हो, चाहे आपको अपने दोस्तों के बीच में इंसल्ट हो, ले कोई बात नहीं, आपके दिन वापस अच्छे हो जाएंगे अगर आपका मन नहीं हारा था। वरना आपका मन हार गया, आप दुखी हो गए और अपने मन से हार गए ना, तो आप वापस कभी भी किसी के सामने खड़े नहीं हो पाओगे। फिर आपकी लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाएगी, अपने दोस्तों के सामने, फैमिली में, बिजनेस में, हर जगह आप खत्म हो जाओगे। इसलिए अपने आप को अंदर से इतना स्ट्रोंग बनाना, अपने आप से कहना आईने के सामने कि जीवन में कितनी मुश्किलें आ जाए, कितना ही मुझे संघर्ष झेलना पड़े, बड़ी से बड़ी मुश्किल स्थिति में मैं हो जाऊं, लेकिन मैं अपने आप से नहीं हारूंगा, लेकिन मैं अपने मन से नहीं हारूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे वापस उठना है, वापस चलना और वापस आगे बढ़ना है। तो किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में अपने मन से मत हारना। और अगर आप मन से नहीं हारे ना, तो आपको चाहकर भी कोई नहीं हरा पाएगा। इसलिए मन से कभी मत हारना, क्योंकि जो इंसान मन से हार जाता है, वो इंसान चाह कर भी वापस उठ नहीं सकता। चाहे उसके पास में कितनी ही चीजें आप रख दो, उसका मन नहीं लगेगा, वह अंदर ही अंदर डूबता जाएगा, अंदर ही अंदर दुखी होता जाएगा और अंदर ही अंदर हताश निराश होता जाएगा। क्यों? क्योंकि वह मन से हार गया। आप मन से मत हारना, हजारों असफलताओं का सामना कर लेना। आप शिखर पे हो और शून्य पे आ गए हो, बिल्कुल शून्य पर, घर बार नौकरी सब, व्यापार सब खत्म हो चुका है, रोड पर आ गए हो, लेकिन मन से नहीं हारे हो। कुछ करने की तमन्ना है, कुछ करने का जज्बा है और मन में उम्मीद है और मन में साहस है और धैर्य है, तो आपको कोई नहीं हरा पाएगा, वापिस आप शून्य से शिखर तक पहुंच जाओगे, बशर्ते आपका मन नहीं हारा हो। इसलिए किसी भी कंडीशन में मन को हारने मत देना। आपका मन हार गया
तो समझो आप खत्म हो गए इस दुनिया से, आप एक चलता फिरते मुर्दा लाश होंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका मन तो अंदर से हार गया, आपका शरीर तो दूसरों के अधीन हो गया। इसलिए मन से कभी मत हारना। जिस दिन आप मन से हार गए ना, तो आपकी लाइफ खत्म। आप जिंदा होंगे लेकिन आपका अस्तित्व नहीं होगा। इसलिए कभी भी मन से मत हारना।